दोस्तों, मक्के के आटे से आप रोटी तो जरूर बनाते होंगे। आज बनाते हैं एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता, वो भी मक्के के आटे का। इसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट डालने होते हैं जिससे ये बनता है बहुत क्रिस्पी भी, सॉफ्ट भी और टूटता भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं वो इंग्रेडिएंट क्या है और इतनी जल्दी ये बन जाता है। मक्के की रोटी कभी कभी टूट जाती है, तो चलिए जानते हैं मैं इसमें क्या क्या डालने वाली हूँ। पहले लेते हैं 1.5 कप मक्के का आटा, ये नाश्ता पौष्टिक तो होता ही है, साथ में जल्दी भी बनता है। साथ में मैं ले रही हूँ इसको और हेल्दी बनाने के लिए मूंग का आटा, ये मैंने लिया है 1/2 कप। दोस्तों, मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। फिर लेते हैं 1/4 कप राइस फ्लोर, ये चावल का आटा है, मैंने ली है कसूरी मेथी 1/4 कप। अब हमें इन सबको मिक्स करना है। एक पिंच मैं इसमें डालने वाली हूँ बेकिंग सोडा, सॉल्ट ले लेते हैं स्वादानुसार और लेते हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। और भी बहुत कुछ आप अपने हिसाब से डाल लेते हैं, लेकिन जो ये आटा है इसका मेजरमेंट आप इसी तरह से रखिएगा। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मक्के के साथ मूंग के आटे का। मैंने पानी लिया है इसमें गरम किया हुआ, इसको मैंने गुनगुना पानी कर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके डाला है, बहुत ढेर सारा एक साथ नहीं। तो 200 ml में एक बार में डाल रही हूँ, तीसरी बार में आप थोड़ा हाथ रोक के ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। डालती हूँ मैं इसमें थोड़ा सा कैरेट और अदरक। कैरेट अगर आप नहीं खाते हैं तो हटा भी सकते हैं, कोई और वेजिटेबल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। अदरक का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल तड़का सब्सक्राइब नहीं किया है, झटपट से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उससे मेरी रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तवे को गर्म कर लीजिए, ऑयल लगा के उसको साफ कर लीजिए, ये पहली टिप है। तो पहले चिले में मैंने आपको यही बता रही हूँ कि ये टिप है, तवे को गर्म करने के बाद उसको थोड़ा सा कम उसकी आँच कर लीजिए, दोनों तरफ से अच्छी तरह पका लें। मैंने इसमें लिड भी थोड़ी देर के लिए लगा दी थी कि स्टीम से भी अच्छे से पक जाए, टूटेगा नहीं क्योंकि हमने इसमें दोनों चीज़ें डाली हैं, क्रिस्प के लिए डाला है चावल का आटा, सॉफ्ट होने के लिए डाला है मूंग का आटा। और मक्के के आटे का तो क्या कहना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। दूसरी टिप ये है कि आप हर चीले के बाद या तो पानी का छींटा डाल दें या उसकी जो आपकी आँच है उसे कम करके रखें और उसे वाइप करना ना भूलें। अगर थोड़ा सा भी पहले का चिपका है दूसरा उसमें चिपक के टूट सकता है। इसी तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। दोस्तों, आपने बेसन का चीला कई बार खाया होगा, बेसन में हम कई चीजें मिक्स करते हैं, इसमें आप प्लीज बेसन मत यूज कीजिएगा। अगर आपने बेसन यूज किया फिर मक्के वाला फ्लेवर इसमें बिल्कुल नहीं आने वाला है। ये मैंने खास रेसिपी अलग अलग आटे के साथ पहले खुद से रिसर्च किया और फिर जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ ये बहुत ही टेस्ट फ्लेवर देता है आपको। तो जरूर इसको मक्के के आटे के साथ आप इसमें मूंग का आटा मिला लीजिए जो उसका फ्लोर आता है, और साथ में आप इसमें राइस फ्लोर मिक्स कीजिए। फटाफट बनते हैं, कुछ नहीं चिपकेगा ना कुछ जलेगा, बस आप आंच को बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा इसमें। अब आप इसको बटर के साथ खाइए या अचार के साथ खाइए, इसको और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टेस्टी फ्लेवर्स आप ऑलरेडी इस पर डाल चुके हैं, तो मैं इसको परोसने वाली हूँ सिर्फ अचार के साथ। बटर आप इसमें ऊपर से रख सकते हैं, सफ़ेद वाला जो मक्खन होता है। दोस्तों, ठंडी में तो मज़ा ही आ जाएगा इस तरह के नाश्ते का। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।